स्मार्टफोन आजकल हर एक के पास है, मगर क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कौन सा मॉडम लगा हुआ है? क्या वो LTE सपोर्ट करता है? क्या वो VoLTE सपोर्ट करता है? रुको रुको, आप नया स्मार्टफोन लेने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना? क्या आपको पता है आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? LTE वाला, VoLTE वाला? यानी कि फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, 4G ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, जिसे आप ट्रू 4G कह सकते हैं। तो यह स्पीड प्राप्त करने के साथ साथ अच्छा वॉइस कॉल भी प्राप्त करने के लिए LTE और VoLTE टेक्नोलॉजी विकसाई गई है। LTE और VoLTE ये दो स्टेप्स हैं जिसे आप ट्रू 4G तक पहुंच सकते हैं। तो ये LTE होता क्या है? LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन और VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन, दोनों 4G टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। LTE को नॉर्मल 4G कहते हैं और VoLTE को ट्रू 4G कहते हैं। LTE को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था, मगर उसमें वॉइस की कमी के कारण VoLTE टेक्नोलॉजी को विकसाया गया। तो यह LTE और VoLTE टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? LTE में इंटरनेट चलाते वक्त यदि आपको कोई कॉल आता है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है, वहीं VoLTE में यदि आपको कोई कॉल आता है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कटता नहीं है। LTE में नॉर्मल कॉल किया जा सकता है जिसमें कई प्रकार के एरर आ सकते हैं, मगर VoLTE में HD कॉल किया जा सकता है, जैसे जियो टू जियो। LTE में वॉइस कॉल करने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि WhatsApp, Skype, मगर वहीं VoLTE में आपको वॉइस कॉल करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। LTE टेक्नोलॉजी सबसे पहले एयरटेल ने 2012 में लॉन्च की थी, वहीं 2016 में जियो ने VoLTE टेक्नोलॉजी विकसाई थी, जिसे आप ट्रू 4G कह सकते हैं। अब आपको पता चल गया है कि LTE और VoLTE में क्या डिफरेंस होता है, और अब आपको यह भी पता चल गया है कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर होगा, LTE वाला या VoLTE वाला। वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।